हेलो गुड इवनिंग एंड सचिकल टू एवरी वन वेलकम टू द अदर वीडियो ऑफ माईट्यूब चैनल यूनाइटेड लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे हैं प्लस वन बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फाइव विच इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉर्ग प्लांट्स एंड टू इज़ द पार्ट थ्री फॉर दिस चैप्टर ठीक है एंड लास्ट हमारे वीडियो में हम कवर कर चुके हैं द रूट एंड अपनी स्टेम ठीक है सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लीफ ठीक है आज पढ़ेंगे कि लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है ठीक है जी सो लेट इस स्टार्ट विद द टॉपिक बेसिकली जो लीफ होता है इट इज अटरल स्ट्रक्चर विच इज जनरली अ फ्लैट एंड वन ठीक है फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम के ऊपर प्रोड्यूस होता है ठीक है इसके अंदर इट डेवलप्स फ्रॉम द नोड नोड से डेवलप होता है एंड इसकी एक्सिल में लेके कॉर्नर में एक बर्ड प्रेजेंट होती है ठीक है ये इस बर्ड को हम लोग बोलते हैं एग्जिलरी बर्ड एंड विच डेवलप्स इन अ ब्रांच मतलब फॉर एग्जाम्पल एक स्टेम स्टेम के ऊपर है आपका एक लीफ ठीक है लीफ की एग्जिल से एक बड निकली जिसको हमने बोल दिया एग्जिलरी बड ठीक है लेटर ऑन विद टाइम यही एग्जिलरी बड डेवलप कर जाएगी ब्रांच में ठीक है सो द लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड अरेन्ज इन द एक्रोपेटल ऑर्डर ठीक है अब जो लीव्स हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से मतलब जो शूट सिस्टम होता है फ्लॉरिंग प्लांट का वहाँ से लीव्स जो हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं एंड दे आर अरेंज इन द एक्रोपेटल ऑर्डर ठीक है सो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दे फॉर्म फॉर द फोटोसेंथिसिस ठीक है मतलब जो लीव है दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिसिस मतलब खाना बनाने में भी लीव्स जो हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल सो मूविंग फॉरवर्ड जो एक टिपिकल लीफ होता है उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं फर्स्ट वन इज लीफ बेस अ पिट्योल एंड अ लेमिना ठीक है जो लीफ बेस होता है इट इज अटैच टू द स्टेम एंड इट बेयर्स टू लिटल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स स्टिप्यूल्स होते हैं थॉर्न्स थॉर्न्स मतलब कांटे ठीक है लीफ बेस में क्या है ये स्टेम के साथ अटैच होता है एंड इसके साथ दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल्स ठीक है सेकेंड वन इसका जो पार्ट है दैट इज द पेट्योल दिस पेट्योल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड ठीक है ब्लेड को मतलब लीफ ब्लेड को होल्ड करने में पेटल हेल्प करता है ठीक है एंड थर्ड मेन पार्ट इज द लेमिना विच इज इट इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद द वेन्स मतलब जो मेन एरिया होता है जहां पे आपको लीफ की सारी वेन्स दिखती हैं दैट इज कॉल्ड एज द लेमिना ऑफ द लीफ फॉर एग्जाम्पल हमारे स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है ठीक है दिस इज द पेट्योल जो कि लीफ को स्ट्रेट uh, होल्ड करने में हेल्प करता है ठीक है दिस इज द लीफ बेस ठीक है जो कि स्टेम से अटैच है ठीक है दिस इज द लीफ बेस ठीक है स्टेम से अटैच्ड है ठीक है पेट्योल है जो कि लीफ को uh, सीधा खड़ा होने में हेल्प करती है ठीक uh, है एंड दिस इज द लेमिना मेन ब्रॉडर एरिया ऑफ द लीफ जिसके ऊपर लीफ वेन्स जो हैं वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट रहती हैं ठीक है एंड ऑल्सो दिस इज द स्टिप्यूल एंड द एक्सिलरी बर्डइज प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ द लीफ ठीक है नेक्स्ट इज मोनोकोटिलिडन्स में जो लीव बेस uh, होता है वो एक्सपैंड करता है इंटू अ शेथ कवरिंग स्टेम पार्शली और होली ठीक है मतलब मोनोकोटिलिडन्स प्लांट में मतलब सिंगल सीड वाले प्लांट्स में क्या होता है जो लीव बेस है ठीक है वो एक्सपैंड कर जाता है एक शेथ में जो कि स्टेम uh, को कंप्लीटली और पार्शली जो है वो कवर करता है ठीक है लेगेमिनस प्लांट्स में द लीव बेस बिकम स्मॉलर एंड जिसको हम बोलते हैं पल्विनस ठीक है नेक्स्ट इज लॉन्ग थिन एंड फ्लैक्सीबल पेटेल्स अलाउड द लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन दंड दैट इज देअर फोर दे द कूलिंग लीव ब्लेड्स टू द फ्लटर इन दिंड नाउ देयर आर लॉन्ग थिन और फ्लैक्सीबल पेटल्स हैं ठीक है जो कि अलाउ करती है लीव ब्लेड को कि एक विंड uh, में वो फ्लटर कर सके सो दैट द लीव ब्लेड्स गेट कूल डाउन ईजीली ठीक है सो नेक्स्ट इज देयर इज अ प्रोमिनेंट मिड रिब ठीक है मिड ड्रिप एक प्रोमिनेंट मिड रिप प्रेजेंट होती है लीफ में ठीक है विच इज़ प्रेजेंट यूजअली इन द लेमिना पार्ट ठीक है ब्रॉडर पार्ट में प्रेजेंट होती है एक प्रोमिनेंट मिड रिप ठीक है जिसको मिडल वेन भी बोलते हैं फ़ाइन सो नेक्स्ट इज वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड अब जो ये वेन्स है डिफरेंट वेन्स एंड वेन प्रेजेंट होती हैं लेमिना में ये प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी टू द लीव ब्लेड एंड ऑल्सो एक्ट एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड मटीरियल्स ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेन्स हैं ये जो प्रेजेंट होती है हमारे लीफ ब्लेड में ये एक्ट करती है एज अ चैनल मतलब ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को मिनरल्स को एंड फूड मटीरियल्स को टू द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लारिंग प्लांट ठीक है एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द लीव ब्लेड फाइन द शेप मार्जिन एपेक्ट एंड दर्फेस ऑफ सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजन ऑफ लेमिना वेयर इज इन द डिफरेंट लीव सो जो लेमिना है ठीक है मतलब कंप्लीट शेप ऑफ अ लीव ठीक है अब ये देखो अब पता लग रहा होगा कि अगर ये लेमिना है तो लीफ जो है दे प्रोजेस द डिफरेंट लेमिना इट डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स वेराइटीज एंड द डिफरेंट प्लांट स्पीशीज ठीक है सो नेक्स्ट इज द विनेशन ऑफ द लीफ विनेशन ऑफ द लीफ मीन्स हाउ इज द वेन्स दैट आर प्रोड्यूसड इन अ पर्टिकुलर लीफ ठीक है अब कुछ ले देखते हैं अब नेक्स्ट क्या रहता है इसमें सो विनेशन में आ जाता है इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेन सो बेसिकली दीज आर द वेन्स प्रेजेंट इन द लेमिनर रीजन ठीक है इसको हम लोग बोलेंगे विनेशन जिस तरह की हमें वेन्स एंड वेनलेट्स किसी लीफ में देखने को मिलेगी उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं विनेशन फाइन सो नेक्स्ट इज वेन विनेशन फॉर्म्स एन नेटवर्क ज द रेटिकुलेट विनेशन जब एक आपने देखा होगा कोई आ, लीफ में वेन्स जो है एक दूसरे के साथ नेटवर्क कंडक्ट करती हैं तो उन्हें बोलते हैं रेटिक्युलेट विनेशन एंड जब वही वेन्स दे रन पैरल टू द मिड्रिप ठीक है अब लैमिना में एक प्रॉपर मिड्रिप होती है उन मिडरेप के पैरल जो है वेन्स जो है रन करती हैं उसको हम बोलते हैं पैरल विनेशन ठीक है यूजुअली जो पैरेलल विनेशन है ये पाई जाती है मोडोकॉ कौ, मोनोकॉटिलिडन प्लांट में मतलब सिंगल सीड वाले प्लांट में आपको पैरेलल विनेशन देखने को मिलेगी एंड डाईकोटिलिडन प्लांट में यूजुअली देयर इज द रेटिकुलेट विनेशन वो विनेशन विच फॉर्म्स अ नेटवर्क नेटवर्क विद द ईच अदर फाइन जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो दिस इज द रेटिकुलेट रेटिकुलेट विनेशन मतलब वेन्स अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं ठीक है एंड पैरल विनेशन में एक पर्टिकुलर मिड रिप के साथ जो बाकी के वेन्स है दे आर रनिंग पैरल टू इट ऑलराइड गाइज सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक द लीफ अपनी आने वाली वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फाइन एंड देखेंगे वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स एंड वट इज द कंप्लीट मॉर्फोलॉजी ऑफ इट ठीक है जी सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड समझ में भी आया होगा सो so, मिलते हैं आपको जल्दी अपने नए वीडियो के साथ टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल यूनाइटेड लाइफ साइंसेज थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम एंड योर सपोर्ट टेक केयर एंड बाय